हर वंशे भाई, हाँ तो मेरे भाइयों और मेरे भाइयों, भाइयों की भजाइयों, भाइयों की भजाइयों, वृंदावन के बाबा जी राधा कुंती भाइयों, ध्यान देना और शेर बात करना और से जी आपके सामने ये ढाई फुट के झंडू प्रसाद पैदा हो चुके हैं। जी हाँ, ये ढाई फुट के झंडू प्रसाद पैदा हो चुके हैं। तो लीजिए आप लोगों के समक्ष जय झंडू गीतमाला, जय झंडू गीतमाला स्टार्ट होने जा रहा है। या खुदा तूने खूब खुदाई है, या खुदा तूने खूब खुदाई है, और जुगनू के चूतर में तूने बिजली लगाई है। एक दिन मेरी बीवी ने और मुझसे निकम्मा कह दिया, एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे निकम्मा कह दिया, और हमने भी गुस्से में आकर उससे अम्मा हाँ। तो देखिए दोस्तों, कहते हैं मेरी बात मानो तो शादी करना सीखो, मेरी बात मानो तो शादी करना सीखो, और गंध की पसंद है तो जर्दा खाना सीखो, गंध की पसंद है तो जर्दा खाना सीखो, और भीख नहीं मांगी है तो बीड़ी पीना सीखो। सिगरेट का पिस्टल फिल्टर पीते कई सालों से, लेकिन माचिस मांगते हैं बीड़ी। कुछ भाई जमाने में ऐसे भी जीते हैं जो टट्टी फिरते पे बीड़ी। हाँ तो लीजिए आप लोगों के समाज ये रेडियो झुंडिस्तान से, रेडियो झुंडिस्तान से खबरें आकाशवाणी बरेली से, खबरें आकाशवाणी बरेली से सुनने जा रहे हैं। ये रेडियो झुंडिस्तान से जबरदस्ती बढ़वाया जा रहा है। तो देखिए खबरें आपको पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर आपको उर्दू में, फिर मौसम बहाल भी सुनवाया जा रहा है। जी हाँ, अभी खबर मिली हमारे संवाददाता बता रहे हैं, वो जिहानी आलू मंडी से, एक आलू लग जाने से 80 लोग मर गए, 85 घायल हो गए। जो मर चुके हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं, जो घायल हुए उनके लिए दफना दिए गए। अभी खबर मिली हमारे संवाददाता बता रहे हैं मुरादाबाद चौकी चौराहे से एक लौंडा लौंडिया को लेकर के फरार हो गया।
लौंडे की उम्र है 11 साल और लौंडी आपकी उम्र है 85 साल। अगर किसी भाई को मिले कहीं भी पुलिस चौकी या थाने में खबर देने वाले के लिए बहुत तगड़ा इनाम रखा है सरकार ने। इनाम क्या रखा है? 6 महीने की सजा 11 महीने के मुचरके भरवा दिए जाए। आकाशवाणी बरेली से समाचार सुन रहे हैं, खबर मिली है बरेली रेलवे स्टेशन से गाड़ी का इंजन चोरी हो चुका है। पुलिस पीछे लगी, धर नगरी अभी का पता नहीं चल रहा है। थोड़ा थोड़ा जासूस लगाए तो कहा एक मच्छर की घोट में गाड़ी का इंजन पुलिस वाले ने घुसे होगा बरामद। ये समाचार आकाशवाणी बरेली से। जी हाँ, अभी खबर मिली है, अभी खबर मिली है बदायूं छेसड़ का, पे कुत्ताली कुतिया की नाक काटी। वो क्यों काटनी? सरकारी कुतिया प्राइवेट कुत्ते से बात कर रही थी। जी हाँ, अभी खबर मिली है, अभी दिल्ली कुतुब मीनार बाजार 45 नंबर होटल, में एक हिजड़े के 18.5 लौंडे पैदा हुए। समाचार आकाशवाणी बरेली से। ये छोटी स्थान से समाचार है। देखिए अभी हिंदी में समाचार सुन रहे हैं, इसी के साथ साथ अब अंग्रेजी में समाचार पेश है आपके सामने। अंग्रेजी की खत्म। सोच रहे हो कैसी भाई ने कि हमारे तक कान तक आवाज नहीं आई। समझने वाले सभी समझ गए होंगे कि समाचार ये अंग्रेजी में कैसे है। जी हाँ, अभी देखिए चलते हैं कहाँ, मौसम की तरफ। मौसम का हाल इस तरह रहेगा गांव पर। इस गांव पर 2:30 बजे मूसलाधार बारिश होने वाली है। बारिश होगी, जमीन पर बूंदें नहीं आई है। बारिश होगी, रसगुल्लों में अपना अपना मुंह फाड़ के सोए, कितना बड़ा रसगुल्ला किसके मुंह में फिट। समाचार संपन्न हुए, आप चित्रपट शर्मी। जी हाँ, तो देखिए चार शकी और कुआ पे पानी भरने को जा रही है और वो आपस में क्या बातचीत करती जा रही है। और चार शकी चली पनिया भरने को और आपस में सिमरिया के रहने वाले ये राकेश भैया 100 के नोट से 20 रुपए दे रहे हैं। मैं पार्टी तरफ से धन्यवाद देते हैं भैया के लिए। Thank you.
अरे क्या गाना गा रहा है ये? तुम्हारी समझ में नहीं घुस रही? हमारे समझ में नहीं आई। क्या कह रहे हैं आप? हमारे समझ में नहीं आई क्या बकरा है? बकरे बकरा नहीं, खस्सी। अरे खस्सी तो कट जाएगा। कट जाएंगे तो अभी बेटे आप 600 रुपए किलो में बिक जाएंगे। 600 रुपए में? अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कौन सा गाना गा रहा है। अच्छा तुम्हारी समझ में नहीं आई ये कौन सा गाना है साले की चोट पड़ी तो टप। बड़ा लंबोड़ी आदमी है, बेर बेर मार देती है। है भैया, हाँ समझने वाले सब समझ रहे हैं, क्या बात जा रही है। अरे हम तो नहीं समझ रहे हैं। ना समझ रहे नहीं के चोट पड़ी तो टप टपक ही क्यों? ये चारों का माना एक ही सीट पे गिरता है। किस में गिरता है? समझ रहे हो काय में गिरता है? अरे किस में गिरता है? खुशी हो का खुशी हो? अरे यार तू लोग क्या बढ़िया यार, हमने करो इशारों तो वहां पे बढ़िया है। खुशी हो एक बात ये बतला, जैसे बात हम तुझसे कर रहे हैं तो ये कहा सारे पारे उसके दिया थी। तो मैं तुम समझ ना रहे, मैं कह जा रहा हूँ मैं फिर गई आंख है सारे ऐसे करता है लगेगी ना कि कैसे है आप ऐसे आके। हाँ ये पहली सकी जाली उठ बोली ऊपर बार भरू लेकर ये भोय के बाद भरते हैं ये वाले। हाँ है और ये 10 रुपए है हमारे भैया कुंवरपाल कारीगर साहब। और कहना है कुंवरपाल का कहना है कि भैया पिंटू जा कर वो भैया कुंवरपाल से मिलने आके ना कहेंगे ये 10 रुपए हमारे लिए दिए हैं। मैं पार्टी तरफ से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली सकी जाने उठवरी ऊपर बार बन ले तो दूसरी सकी जाने उठवरी दोनों खाम बराबर क्यों? हाँ इसका मतलब क्या है? दोनों खाम बराबर है कोई घटबड़? अच्छा ये पलक बता रहा है। अच्छा घटबड़ हो तो इनसे टेप फिर और बताओ आगे के लिए। तीसरी सकी जाने उठवरी जब भी चुप मैं अंगारों ये क्या चीज आंख चारों तरफ सफेद है। हाँ है बीच में काली पतलिया है। हाँ है, है इसी के लिए मैं मनुआ बोलता हूँ। अच्छा है इसको मनुआ बोलता है। चलो ठीक है चौथी सकी जाने उठवली चोट पड़ी तो टपक। इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब आंख एक बहुत नाजुक चीज है। हाँ हाँ शरीर में सबसे नाजुक आंख। हाँ है है आंख में मिट्टी गिर जाए तिनका गिर जाए या भैंसा टकरा जाए। अरे भैंसा कैसे टकरा जाएगा? क्यों नहीं टकराता? टकराता भैंसा आग से कैसे टकराएगा? टकराता यार। अरे कैसे टकराएगा? भाई साहब आ रहे थे मोटरसाइकिल से, 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। 80 की स्पीड में गाड़ी आ रही है और बाबूजी जमीन की आग से भैंसा टकराया। जब आग से भैंसा टकराया गाड़ी मौसम दौड़ने लगी। अच्छा गाड़ी चल रही थी रोक करके खड़े हो गए। अच्छा आंख को हिंसने लगे। हाँ रगड़ने लगे। हाँ रगड़ते रगड़ते आंख में पानी आया। अच्छा पानी आया टपकने लगी टप 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 टपकती है। और तब ये करके अमूठी बोले पहुंच लई तो जीव की। ये बता सारे भैंसा का मतलब समझा। भैंसा कौन है? अरे यार तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मेरी समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? अरे भैंसा बोलते मैं मच्छर के लिए। मच्छर के लिए तो ये कहना था यार सारे को मच्छर टकरा दिया। इतना सा मच्छर है गाड़ी कितनी बड़ी है। ठीक ठीक आगे बढ़ते बढ़ते हाँ भैया जितने बराती लोग या गाड़ी वाले कोई रिश्तेदार खाना खाने के लिए बाकी है वो खाने को चले जाए फौरन खाना खाए आने जाके। ये भैया हमारे सामने भैया का कहना है कि जो भी लोग बाकी है खाना खाने जाके। हाँ भाई जितने भी राजपुर के हो या अड़ोस पड़ोस वाले कोई भी रिश्तेदार हो खाना खाए।
मुनी को कटवा दे हो अरे हो के मो करे ये हमारे भैया इसी गांव के रहने वाले और ये 10 रुपए कलम बंद हमारे लिए दिए कह रहे मुर्गिया मुर्गा को ब्याह सुनवा दे ये मौर्य साहब यहाँ 10 रुपए हमारे लिए बाढ़ धरी का ये नोट है अरे भैया तुम सुना दे ना मुर्गिया मुर्गा तुम सुना अबे बैठे हैं मिस्त्री साहब को छाने जे कैसे चुपचाप बैठे भैया आए तो जानी जबानी सब आने लेंगा पहने तो जानी जबानी सब आने दे पटिया भारे आज तो दरियन के बारे उखड़े लाए ये 10 रुपए
ये तीसरी तीसरी नोड़ी स्टॉक ये 10 रुपए हमारे लिए फिर स्पेशल तौर से फिर दिए गए उनके लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ साहब के लिए। हाँ तो देखिए दोस्तों, टाइम कम है और काम ज्यादा है, चलते हैं। पहले बाबूजी का तारा हुआ, पहले बाबूजी से बात करेंगे, उसके बाद आगे के लिए कार्यक्रम बढ़ाते हैं। रेडी हाँ तो देखिए चलते हैं, पहले बाबूजी से बात करेंगे, उसके बाद भाई आगे के लिए कार्यक्रम। रेडी 1 3